हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है भाषा पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज करिकुलम। पाठ्यक्रम का संपादन शैक्षिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में किया जाता है, इसलिए शैक्षिक तथा सामाजिक कारक पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटकों का विवेचन इस प्रकार से है, जिसमें पहला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा के इतिहास से यह विदित होता है कि अतीत काल से ही शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रम का गहन संबंध रहा है और एक दूसरे को प्रभावित करते रहे हैं। पाठ्यक्रम प्रायः लचीला तथा परिवर्तनशील रहा है। छोटे बालकों का पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित होता है, माध्यमिक स्तर पर विषय केंद्रित होता है। शिक्षा व्यवस्था के बदलने के साथ साथ पाठ्यक्रम का प्रारूप भी बदलता रहता है। शिक्षण की प्रक्रिया का संपादन शिक्षक द्वारा किया जाता है। शिक्षक अपनी क्रियाओं का नियोजन कक्षा शिक्षण के लिए करता है। उसके तीन प्रमुख तत्व होते हैं, उद्देश्य, पाठ्य वस्तु एवं पाठ्य विधियां। और पाठ्यक्रम विकास में पाठ्य वस्तु तथा शिक्षण विधियों को महत्व दिया जाता है। पाठ्य वस्तु तथा शिक्षण विधियों को प्रयोजन नियोजन उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाता है। एक पाठ्य वस्तु से कई उद्देश्य भी प्राप्त होते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं शिक्षक को देखनी होती हैं। और इसमें क्या है, अधिगम अवसर एवं परिस्थितियाँ उद्देश्यों के स्वरूपों को निश्चित करती हैं। विशिष्ट उद्देश्य हेतु विशिष्ट अधिगम परिस्थितियों का नियोजन जो है किया जाता है। शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसके पाठ्यक्रम से बालक में मित्रता, ईमानदारी, निष्पक्षता, सहयोग, सहनशीलता, अनुशासन आदि गुणों को विकसित किया जा सके तथा नैतिकता और चरित्र का निर्माण हो सके। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे परीक्षा प्रणाली, अर्थात एग्जामिनेशन सिस्टम। परीक्षा प्रणाली पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है। निबंधात्मक परीक्षा के पाठ्यक्रम का स्वरूप वस्तुनिष्ठ परीक्षा से बिल्कुल ही भिन्न होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में पाठ्य वस्तु के सूक्ष्म पाठ्य वस्तु पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि निबंधात्मक परीक्षा में पाठ्य वस्तु के व्यापक स्वरूप पर प्रश्न पूछे जाते हैं। निबंधात्मक परीक्षा से उच्च उद्देश्यों का मापन किया जाता है, जबकि वस्तुनिष्ठ से निम्न उद्देश्यों का ही आकलन किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो परीक्षा प्रणाली है पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है और पाठ्यक्रम के आधार पर ही परीक्षाएं कराई जाती हैं और परीक्षाओं से बालक का जो शिक्षण कार्य कराया गया है उसका मूल्यांकन किया जाता है कि अब तक बालकों ने कितना ज्ञान ग्रहण कर लिया है, अभी कौन सी कमियां रह गई हैं जिनकी पूर्ति शिक्षक को करनी है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे शासन प्रणाली, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। शिक्षा द्वारा राष्ट्र तथा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। शासन प्रणाली बदलने से पाठ्यक्रम के स्वरूप को बदलना होता है। केंद्र तथा राज्य स्तर या पार्टी की सत्ता बदलने से भी पाठ्यक्रम के प्रारूप पर प्रभाव पड़ता है। पाठ्यक्रम के विशिष्ट प्रारूप केंद्रीय सरकार प्रभावित करती है। रूस में शासन सत्ता बदलने से पाठ्यक्रम का प्रारूप बिल्कुल ही बदला जा रहा है। भारत राज्य या प्रदेश राज्य व्यवस्थित इसको करती है, यानी कि जो एक तरह की शासन प्रणाली है व्यवस्थित करती है, इसलिए शिक्षा का राष्ट्रीय प्रारूप नहीं है। सभी प्रदेशों के पाठ्यक्रम के प्रारूप विभिन्न स्तरों पर अलग अलग हैं। जैसा कि कई बार ऐसा हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का देख लें आप, तो पहले जो कांग्रेस पार्टी थी और उसने अपने अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया और उसके बाद सत्ता बदलने पर फिर चेंजिंग आ गई, लेकिन जल्दी जल्दी ये सत्ता बदली और जल्दी जल्दी पाठ्यक्रम में भी बदलाव आए और
और किस तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा, इस पर विचार जो है करने में भी अर्थात निर्णय लेने में भी बहुत समय तक संशय बना रहा। इसमें क्या होता है कि छात्रों पर ही प्रभाव पड़ता है, परीक्षा प्रणाली पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो है कि छात्रों को परेशानी का अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि पाठ्यक्रम बार बार बदलता रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अध्ययन समिति बोर्ड ऑफ स्टडीज। पाठ्यक्रम के प्रारूप का निर्माण अध्ययन समितियों द्वारा किया जाता है। विभिन्न स्थलों पर अध्ययन समितियों के द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण तथा सुधार किया जाता है। अध्ययन समिति के सदस्यों की सूझबूझ तथा अनुभवों द्वारा ही पाठ्यक्रम के स्वरूप को विकसित किया जाता है करते हैं या फिर इसलिए इन सदस्यों की अभिरुचियों अभिवृत्तियों तथा मानसिक क्षमताओं का सीधा प्रभाव पड़ता है। साधारणतः अध्ययन समिति के अध्यक्ष ही पाठ्यक्रम का प्रारूप बनाते हैं और बदलते हैं, अन्य सदस्य मात्र अनुमोदन ही करते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो सदस्य हैं, सदस्यों की अभिरुचियों अभिवृत्तियों तथा मानसिक क्षमताओं का सीधा प्रभाव पाठ्यक्रम पर पड़ता है और साधारणतः अध्ययन समिति के अध्यक्ष ही पाठ्यक्रम का प्रारूप बनाते हैं और बदलते हैं, अन्य सदस्य छात्र मात्र केवल अनुमोदन ही करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तथा समितियां, नेशनल एजुकेशन कमीशन एंड कमेटीज। शिक्षा में सुधार और विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर तथा समितियां गठित की जाती हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद से अनेक आयोग तथा समितियां गठित की गई हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय स्तर, माध्यमिक स्तर तथा प्राथमिक स्तर पर सुधार के लिए सुझाव दिए हैं और उन सुझावों को लागू करने का प्रयास किया गया है, जिससे पाठ्यक्रम के प्रारूप को भी बदलना पड़ा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा अर्थात वोकेशनल एजुकेशन को अधिक महत्व प्रदान किया गया है, इसलिए माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक अर्थात वोकेशनल पाठ्यक्रमों का प्रारूप विकसित किया गया है। शिक्षा के आयोगों तथा समितियों के सुझाव के आधार पर भी पाठ्यक्रम का प्रारूप एक तरह से प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे सोशल चेंज अर्थात सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक परिवर्तन की गति अधिक तीव्र है, इसलिए ये आर्थिक तथा भौतिक परिवर्तन की गति कहलाती है और इसमें तीव्रता होती है। आर्थिक तथा भौतिक परिवर्तन भी पाठ्यक्रम को एक तरह से प्रभावित करते हैं। विज्ञान तथा तकनीकी ने सामाजिक जीवन को अधिक प्रभावित किया है, इसलिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ तकनीकी के प्रशिक्षण अर्थात जैसे कंप्यूटर का प्रशिक्षण आदि संबंधी नए पाठ्यक्रम विकसित किए जा रहे हैं। शिक्षा के अंतर्गत दूरवर्ती शिक्षा अर्थात डिस्टेंस एजुकेशन प्रणाली का विकास हुआ है, जिसमें संप्रेषण के माध्यमों को विशेष महत्व दिया गया है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सकारात्मक साधन है। पाठ्यक्रम के घटकों के आपसी संबंधों को भी एक तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे कुछ बिंदु हैं इसमें, जैसे भविष्य, समाज, विद्यालय, परिवार, परंपराएं, के प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार। तो सबसे उच्च लेवल पर जैसे केंद्र सरकार होती है, उसके बाद जिस प्रदेश में रह रहे हैं प्रदेश सरकार होती है, किंतु इसमें परंपराएं भी अपना प्रभाव छोड़ती हैं, उसके आधार पर भी शिक्षा प्रभावित होती है। उसके बाद समाज तथा विद्यालय, इसमें समाज, विद्यालय, परिवार, भविष्य, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रदेश राज्य या प्रदेश सरकार, परंपराएं, इन सब के बीच में पाठ्यक्रम उलझा रहता है, यानी कि बंधा हुआ रहता है। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, सबसे पहले
सबसे उच्च स्तर पर भविष्य और सबसे निम्न स्तर पर परंपराएं इसके आसपास है राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार। मध्य में है समाज, विद्यालय और परिवार, उसी बिल्कुल ही मध्य में है पाठ्यक्रम। तो यहाँ यह कहने का तात्पर्य ये है कि पाठ्यक्रम इन सब के बीच में बंधा हुआ होता है और इन सब का प्रभाव पाठ्यक्रम पर पड़ता है। अब हम भाषा पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारकों को या कारकों का साल देख लेते हैं। तो पाठ्यक्रम का संपादन शैक्षिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में किया जाता है, इसलिए शैक्षिक तथा सामाजिक कारक पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं शिक्षा व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, परीक्षा प्रणाली एग्जामिनेशन सिस्टम, शासन प्रणाली सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अध्ययन समिति बोर्ड ऑफ स्टडीज, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तथा समितियां नेशनल एजुकेशन कमीशन एंड कमेटी तथा सामाजिक परिवर्तन अर्थात सोशल चेंज। इस प्रकार से जो पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं विशेष रूप से प्रभावित करते हैं और पाठ्यक्रम एक रूप ना होकर परिवर्तनशील हो जाता है। समय समय पर इसमें परिवर्तन करने अनिवार्य हो जाते हैं क्योंकि भविष्य का भी ध्यान रखना है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।